दुश्मन। अम्मी अम्मी चलिए ना शॉपिंग करने चलते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। और आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, मुझे प्लीज थोड़े से नए कपड़े दिला दें। शॉपिंग के अलावा भी कुछ और सोच लिया कर, हर वक्त खर्चा 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 है। बड़ी अम्मी मैंने आपको अम्मी की ज्वेलरी दी थी ना, आप प्लीज जरा वो मुझे देंगी? तुम क्या करोगी उसका? वो असल में सब एक साथ रखी हुई है तो मैंने सोचा अलग अलग करके रख दूं। अरे आयशा बेटा तुम बच्ची हो अभी, मैं खुद संभाल के रख दूंगी ना, तुम परेशान मत हो। आपने आयशा को मेरी नई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं दिखाई, वो जो आप ज्वेलर से लेकर आई है मेरे लिए? चुप कर, मेरे पास कौन सी ज्वेलरी है? मैंने बताया था ना वो आर्टिफिशियल है, और मेरे पास ऐसे कौन से खजाने रखे हुए जो मैं तेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी बनवाती फिरूंगी। हाँ आयशा बेटा, बच्चे मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय तो लेकर आओ जरा। जी भी लेकर आती हूँ। क्या चक्कर चला रही हैं आप, कभी तो खुश हो लेने दिया करें मुझे। कभी अपनी जबान ना बंद भी कर लिया कर, क्या जरूरत पड़ी थी आयशा के सामने ज्वेलरी की बात करने की? क्यों क्यों ना करती, मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। अरे कब्बहत, उसकी माँ की ज्वेलरी थी वो जो मैंने सुनार से तोड़वा कर बनवा ली। इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने, मुझे तो आप बड़ा कहती थी कि पैसों पर। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? हाँ और चल चल ब्लैकमेलर की बच्ची चल, मैं तुझे शॉपिंग करवाऊँ वरना तेरी जबान नहीं रुकेगी, और खबरदार किसी के सामने कोई बात की तूने। चल उठ जा।